For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamualaikum, मेरा नाम आयशा हक है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आपका रमजान बहुत अच्छा गुजरा होगा. आप सबको रमजान मुबारक. तो आज मैं आपसे बात करूंगी. मैं अपने क्लाइंट्स में कुछ सिम्टम्स बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ रमजान के इस पीरियड में, तो मैं चाह रही थी मैं आपसे उस पर डिस्कस करूं, जिसमें आपके सर में दर्द का रहना, आपके पट्ठों में खिंचाव का हो जाना, आपके गर्दन में खिंचाव का होना, आपके ज्वाइंट्स में पेन का होना, खासतौर पर वो ज्वाइंट्स जिनको हम अपनी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें पेन का होना, और बच्चों का अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो कायम ना रखना. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से जायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. और इसके साथ साथ ब्लॉटिंग का हो जाना और वेट गेन होना, ये सारे सिम्टम्स जो है डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं. डिहाइड्रेशन जो है पानी की कमी की वजह से होती है, लेकिन डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज्यादा पानी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि मामूली से पानी के डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी बॉडी सेल्स जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स जो है वो जाहिर होना शुरू होते हैं. आइए मिलकर देखते हैं कि हम किस तरह से अपने इन सिम्टम्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. सहरी और अफ्तारी में हमने लिक्विड फॉर्म में पानी लेना है, और वो हम पानी भी पी सकते हैं, और इसके अलावा हम लस्सी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में ले सकते हैं. और उसके अलावा हम कौन सा पानी नहीं, कौन सी लिक्विड फॉर्म नहीं ले सकते, हमने ज्यादा चाय नहीं पीनी है, हमने ज्यादा वो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, और इस तरह की जो है चीजें, बाजारी चीजें हमने नहीं लेनी है, ठीक है. और इसके बाद हम जो है दूसरी जो फॉर्म है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और तीसरी फॉर्म है अपने खाने के जरिए से. तो पानी की हमें जो है कमी पूरी करने के लिए सिर्फ पानी की क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पानी की अब्जॉर्प्शन भी अच्छी होनी चाहिए. और अभी पानी की अब्जॉर्प्शन किन चीजों से अच्छी होती है उस पर थोड़ा सा देखते हैं. पानी के अब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे पहले उसमें मैं वेजिटेबल्स का जिक्र करूंगी, जिसमें सलाद का पत्ता, और इसके अलावा कैबेज, कैप्सिकम, और जैसे हम शिमला मिर्च, फूल गोभी, और उसके अलावा भिंडी, इन सब चीजों से पानी की जो है ना सिर्फ हमें क्वांटिटी जो है वो बैलेंस होती है, बल्कि इसकी अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होती है. इसके अलावा फलों का इस्तेमाल, और जिसमें केला और सबसे इंपॉर्टेंट फल जो तरबूज है, जिसे मैं कहूंगी कि ये हमारे रमजान की सौगात है, इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारी बॉडी में पानी का बैलेंस जो है वो क्वांटिटी का बैलेंस जो है वो होता है, बल्कि इससे हमारी बॉडी में पाए. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. टेबल सॉल्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. हम पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पानी की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी होती है. इसके अलावा तुख मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुख मलंगा भी पानी के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में बॉडी की वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इसके अलावा हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जो कि पानी के फ्लेवर को अच्छा करेगा और पानी की एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करेगा. उसमें लेमन आ जाता है, मुख्तलिफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं, जिसमें खीरा डाल सकते हैं, आप कोई भी जूसी जो है फ्रूट जो है वो कट करके पानी में डाल सकते हैं, उससे आपके पानी की एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी. पानी पीजिए, खूब पीजिए, लेकिन एकदम ना पीजिए, वक्फे वक्फे से पीजिए, बैलेंस डाल दीजिए, सब्जियों फलों का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए. इंशाल्लाह आपका ये रमजान बहुत अच्छा गुजरेगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.